आज आप लोग जे चौकी पहुंचे थे महाराष्ट्र अमन कम्युनिटी के नाम से, जो आप लोग ने यहाँ एक कंप्लेंट दर्ज किया है कंगना रावत को लेके, तो आखिर ये माजरा क्या है? आप लोग क्यों जे पहुंचे, क्या माजरा है? ये फिल्म एक्टर कंगना रावत जो है, ये बहुत ही शर्मनाक बयान दी है कि जो फिल्म इंडस्ट्री है वो खान लोगों की जागीर है और इस्लाम को दिया है, तो उसकी हम मजामत करते हैं। और जो ये महाराष्ट्र और बॉम्बे पुलिस के खिलाफ बयान दिए, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। हम बॉम्बे पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके खिलाफ जल्द से जल्द FIR दर्ज की जाए और ये जो यहाँ का माहौल ना बिगड़ सके। शाकिर पंजाबी, जैसा आपके लेटर रेट पे ये, जैसा आप जनरल सेक्रेटरी है कमेटी के, तो आपने ये मतलब क्या प्रूफ, क्या एविडेंस, मतलब क्या इस पर आपने बेस पे इसको कंप्लेंट रजिस्टर कराया? मैडम ने ट्वीट किया था जी, जिसके अंदर उन्होंने मेंशन किया है हाँ ये इस्लाम डोमिनेंट, हाँ मतलब ये क्या साबित करना चाहते हैं? इतने मोस्ट ऑफ एजुकेटेड, इतने एजुकेटेड हो के हाँ। ऐसा माइनॉरिटी को टारगेट करके ये फेम पाना चाहते हैं। मुंबई शहर के बारे में इन्होंने बहुत कुछ कहा है ट्वीट के अंदर, कहा है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है मुंबई, मतलब ये साबित क्या करना चाहते हैं? मुंबई की वजह से तो इनको इतना नाम मिला, इनको फेम मिला, बने मुंबई से और हम मुंबई को ही नाम रख रहे हो। तो अभी आप लोग की चौकी में सीनियर से मीटिंग हुई होगी, तो यहाँ की चौकी क्या आश्वासन दिए आपको, क्या क्या होने वाला है? सीनियर साहब ने हमको दिल से तसल्ली दी कि इनके खिलाफ FIR ली जाएगी और इनके सक्सेसिव कार्रवाई। सैफ शेख, जैसा शिवसेना के आप कार्यकर्ता माने जाते हैं, बाइकल्ला के बहुत चर्चे में रह चुके हैं शिवसेना के साथ, तो शिवसेना को भी लेके बहुत सारी इन लोगों की अनबन हुई है ट्वीट के थ्रू, क्या संजय रावत साहब ने भी इनके बारे में कहा है, तो और इनने चैलेंज भी किया कि मैं 9 तारीख को आके दिखाऊंगी, तो आप लोग क्या है, मतलब क्या स्टैंड रहे इस पर? उद्धव साहब ठाकरे जी है जो स्टैंड लेंगे वो लेंगे, बाकी जो ऑर्डर पार्टी से आएगा वो देखा जाएगा। और अभी जेजे चौकी में जो हमने लेटर सबमिट किया है उसके ऊपर सीनियर साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि 2 दिन में उसका FIR दर्ज किया जाएगा। सर आप भी सोशल एक्टिविस्ट है और बहुत एक्टिव रहते हैं, तो मतलब आप लोग के दिल में मतलब इसको क्या, ये स्टेटमेंट को लेकर क्या है, क्या जो कंगना रावत कर रही है, तो लोगों का कहना है कि ड्रग्स के नेक्सस को ओपन कर रही है और उसको दबाया जा रहा है, तो इसमें आप कितना मतलब जो बोल रही है क्या काफ़ी हद तक सही लगता है आपको, क्या मतलब है? मैं ये उसकी बेचनी है कि मुंबई से उसे काफ़ी फेम मिला है, काफ़ी तरक्की मिली है और मुंबई कर कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उसकी मुंबई के खिलाफ कोई बात करे, वो इसे POK से मिलाए और मुंबई का इस चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उसे POK से मिलाए। और इंडस्ट्री में राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, काफ़ी कपूर लोग, इतने सारे लोग हैं, खाली खान फैमिली से इस्लामिक हो गया नहीं होता है, ये इसकी गलती है और इसे अपनी गलती से माफ़ी मांगना है।